देख रहे हैं QCI, ARP, GBR, MBR और AMBR क्या होता है, LTs क्या है, LTK में जो पैरामीटर्स हैं इनका यूज क्या है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने QCI से रिलेटेड चीजें बताई हैं, GBR, नॉन GBR ये क्या चीज होती हैं, इनका मतलब क्या है, किस तरीके से हम समझते हैं, प्रायोरिटी बेस्ड है तो वो प्रायोरिटी किस तरीके से डिफाइन की गई है, या जो हमारा QCI है, QCI1 है, QCI1 हमारी VoIP कॉल्स के लिए यूज होती है, QCI5 हमारी सिग्नलिंग जो होती है उसके लिए यूज होती है। ठीक है, ऐसे ही QCI9 जो है वो आप देख सकते हैं जो इंटरनेट है उसके लिए यूज होती है। ये काफी सारी इंफॉर्मेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी और आपको ये बताया कि नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे QoS पैरामीटर से रिलेटेड कुछ अच्छी जानकारी जो इंटरव्यू में पूछ ली जाती है। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर अभी कुछ दिन बाद में 5G कॉल फ्लो भी डालने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, पास में देखिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना है, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पर अपलोड होती रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी वीडियो लिंक दिए हैं, उन्हें देखना ना भूलें, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर किसी टेक्नोलॉजी की, ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड, डिस्कवरी से रिलेटेड काफी वीडियो बनी हुई है। आप वहाँ पे कैसे बनाते हैं या आप जो भी एच मैटिक कैसे बनाते हैं, ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड काफी चीजें हैं, लोड बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ठीक है, कमांड क्या होती है, ऐसी काफी सारी चीजें आपको उन वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए, ये डायग्राम मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, यहाँ पे आप देख रहे हैं UE1 और UE2 दो हमारे UEs हैं। ठीक है, UEIP1 और UEIP2, ठीक है, IP1 और IP2 यूज कर रहे हैं। इनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डेडिकेटेड बियर बियर फॉर PDN1, डेडिकेटेड बियर फॉर PDN1 और डेडिकेटेड बियर फॉर PDN1। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा जी टाइप है उसके लिए केवल डेडिकेटेड बियर है, ठीक है, जो नॉन जीबीआर टाइप है उसके लिए हमारा डेडिकेटेड बियर और डिफॉल्ट बियर PDN1 के लिए दोनों है। ठीक है, रिसोर्स टाइप हमारा जीबीआर नॉन जीबीआर हो सकता है। ठीक, और ईपीएस बियर के जो ऐसे पैरामीटर्स हैं वो आप देख पा रहे होंगे QCI, ARP, GBR और AMBR है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक से वक्त नहीं कर रहा है, QCI, ARP, GBR और MBR, ठीक है, AMBR, UEAMBR अपने डाउनलिंक के लिए यूज हो रहे हैं। इनको हम डिटेल में जानेंगे, पहले आप देख लीजिए, ऐसे लास्ट में जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये यहाँ पे देख पा रहे हैं HDFS पैरामीटर्स। ठीक है, HDFS पैरामीटर्स आप देख रहे हैं QCI, ARP, MBR अपने डाउनलिंक के लिए और GBR अपने डाउनलिंक के लिए, HDFS नंबर ऑफ एचडीएफ है। ठीक है, लास्ट में हमारा PDN कनेक्शन है। ठीक है, नीचे आप देख रहे हैं LTE क्वालिटी सर्विस पैरामीटर्स हमारे QCI, ARP, GBR, MBR, APN, AMBR, UE और UE AMBR, ये आप पैरामीटर्स देख पा रहे हो, इनके बारे में आज हम जानने वाले हैं, देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही यूई है जो IP1 से कनेक्टेड है, ठीक है, PDN कनेक्शन 1 कनेक्टेड है। यहाँ पे सबसे पहले मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, देखिए QCI फुल फॉर्म होती है क्वालिटी ऑफ सर्विस क्लास आइडेंटिफायर, GBR फुल फॉर्म होती है गारंटीड बिट रेट, ARP फुल फॉर्म यूजर इक्विटी, AMBR मींस यूजर इक्विटी, AMBR मींस यूजर इक्विटी, AMBR means user equity, AMBR means user equity, AMBR means user equity, AMBR means user equity, AMBR means user equipment aggregate maximum bit rate। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमें ये पता है जो हमारा EPS बियर है वो टू टाइप्स में होता है, डिफॉल्ट बियर और डेडिकेटेड बियर। ठीक है, जो हमारा एल्टी नेटवर्क है उसमें जो हमारा ईपीएस बियरर क्वालिटी ऑफ सर्विस है यानी क्यूएस है वो कंट्रोल की जाती है एलटी क्यूएस पैरामीटर
ठीक है, वो पैरामीटर क्या है हो जाता है। हमें पता है एफ डी ई पी एस यानी कि बोल्ड या कर सकते ई पी एस, ठीक है। एवरी ई पी एस बियर मस्ट हैव क्यू आई एंड टी आर पी डिफाइन, ठीक है। जितने भी हमारे ई पी एस बियर हैं उनकी क्यू आई और एफ डी डिफाइन होनी चाहिए, ठीक। एंड यू सी आई इज पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सर्व्स एज रेफरेंस इन डिटरमिनिंग क्वालिटी सर्विस लेवल्स फॉर ईच ई पी एस, ठीक है। उस बंदे ने ये बोला कि आप तो सर जो लिखा है उसे पढ़ लेते हैं, एक चीज होती है जो लिख रहा है ये चीज कहाँ से आई, वो भी मैंने कहीं से लिखी होगी, कहीं से पढ़ा होगा, कहीं से पढ़ा होगा, फिर से यहाँ पे लिखा होगा, ऐसे कोई चीज़ नहीं आ जाती है। अगर आपको ये चीज़ जैसी नहीं लगी है समझ नहीं आई तो आप वीडियो ना देखें, कुछ जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। इन केस तो बैंडविड्थ मीन्स बिट रेट जी बी आर एंड एम बी आर आर डिफाइन ओनली इन जी बी आर एमबीपीएस, जबकि ए एम बी आर जैसे कि ए पी एन एम बी आर और यू एम बी आर डिफाइन होता है केवल नॉन जी बी आर टाइप की पी एस, ठीक है। आप इस पिक्चर में देखते हैं, नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस पिक्चर में देखिए अगर हम कार्पेट बैटरी की बात करें जी बी आर की बात करें रिसोर्स टाइप हमारा जी बी आर टाइप में यहाँ पे आप देखते हैं नॉन जी बी आर और जी बी आर दो यूज हो रहे हैं, ठीक। इसमें जी बी आर की हम बात करें तो फोर एन ई पी एस बी आर यानी जो हमारा ई पी एस बी आर है उसके लिए जी बी आर रिसोर्स टाइप मीन्स बैटरी ऑफ द बी आर इज गारंटेड यानी बैटरी क्या है गारंटीड है। इसका मतलब क्या जो रिसोर्स लोग हैं यानी जो रिसोर्सेज हैं वो उस क्यू के लिए एलोकेट कर दिए गए हैं, वो अपने उन रिसोर्सेज को अभी यूज करें या ना करें, जब भी यूज करें वो रिसोर्स के लिए उस पर्टिकुलर क्यू के लिए एलोकेट कर दिए गए हैं कि उन रिसोर्सेज को वही यूज करेगा, ये मेन होता है जी बी आर, ठीक है। ऑब्वियसली ये जी बी आर टाइप जी बी आर है गारंटीड रेट का मतलब वो गारंटीड बिट रेट है उसके लिए, एसोसिएटेड एज वन ऑफ इट्स क्यू एस पैरामीटर। व्हाइल ओनली इन डेडिकेटेड ई पी एस बी आर कैन बी जी बी आर टाइप बी आर एंड डिफॉल्ट बी आर, जो हमारा डेट नॉन जी बी आर बी आर है, ठीक है, नॉन जी बी आर टाइप है वो डेडिकेटेड बी आर भी हो सकता है और डिफॉल्ट बी आर भी हो सकता है, लेकिन जो जी बी आर बी आर है वो हमारा ओनली डेडिकेटेड बी आर होगा, ठीक है। क्यू सी आई ऑफ जी बी आर टाइप ई पी एस बी आर कैन रेंज फ्रॉम, ये चीज़ आपको पता होगा, ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है क्यू सी आई जी बी आर के लिए ई पी एस बी आर के लिए उसकी रेंज क्या है, यानी 1-4 जो हमारी क्यू सी आई होती है, ठीक है, वो हमारी जी बी आर के लिए यूज होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जी बी आर की बात करें तो आप देखिए मतलब क्या फोर एन ई पी एस बी आर, ठीक है। हैविंग ए नॉन जी बी आर रिसोर्सेज मींस दैट बी आर इज बेस्ट एफर्ट टाइप बी आर एंड इट्स बैंडविड्थ इज नॉट गारंटीड, ठीक है, बैंडविड्थ गारंटी नहीं है। ए डिफॉल्ट ई पी एस बी आर इज ऑलवेज ए नॉन जी बी आर, जो डिफॉल्ट बी आर होगा वो हमेशा नॉन जी बी आर होगा, ये पॉइंट पूछा जाता है। जो डिफॉल्ट भी ई पी एस बी आर होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉन जी बी आर होगा। जब जो हमारा डेडिकेटेड ई पी एस बी आर होगा वो जी बी आर भी हो सकता है और नॉन जी बी आर भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब नॉन जी बी आर के लिए जो हमारी क्यू आई सी आई टाइप्स हैं, ठीक है, उसकी जो रेंज है वो भी अलग है, आपको 5-9 रेंज है वो आपकी नॉन जी बी आर के लिए, ठीक है। वैसे काफ़ी सारी ही है वाली कुछ के बारे में बताऊंगा, थर्ड वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आपको दिखाऊंगा, ठीक है, थर्ड पार्ट होगा कुछ रिलेटेड। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ई आर पी देख लेते हैं, व्हाट इज ई आर पी, क्यू सी आई क्वालिटी ऑफ सर्विस क्लास आइडेंटिफाई, ये फुल फॉर्म तो आपको याद ही कर लेंगे, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है क्यों है क्यू सी आई, फुल फॉर्म क्या होती है। यू सी आई और सी क्यू आई में बहुत लोग कन्फ्यूज
हो जाते हैं, एक दूसरे को मिक्स कर देते हैं, पी यू सी क्यू आई, तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, सी क्यू आई आपकी होती है जो जिसकी रेंज 1 to 15 होती है, चैनल क्वालिटी इंडिकेटर होता है वो, और ये है क्वालिटी ऑफ सर्विस क्लास आइडेंटिफायर, दोनों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं क्यू सी आई जो कि एक इंटीगर रेंज होती है जिसकी 1 to 9 होती है, जिसमें 1 to 4 आपका जो होता है, 1 to 4 आपका होता है जी बी आर और 5 to 9 होता है आपका नॉन जी बी आर। ठीक है, इंडिकेट्स 9 डिफरेंट क्यू एस परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस आई पी पैकेट। इस क्यू सी आई कंटेन्स स्टैंडर्डाइज परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स यानी वैल्यूज जैसे कि रिसोर्स टाइप यानी जी बी आर और नॉन जी बी आर, प्रायोरिटी बेस्ड 1 to 9 प्रायोरिटी बेस्ड, और पैकेट डिले बजट, ये भी लास्ट वीडियो में बजा दिया है पैकेट डिले बजट कितना होना चाहिए, रेंज क्या होती है उसकी। ठीक है, पैकेट एरर लॉस रेट कितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी लास्ट वीडियो में बता दिया था, यहाँ पे भी आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के जरिए समझाया गया है। सपोज देखिए क्वालिटी QCI 1 और QCI 9 के जरिए, QCI 1 के लिए जो हमारा रिसोर्स टाइप है वो GBR है, जैसे कि अभी रेंज बताई थी क्यू, जो हमारी GBR रेंज 1 to 4 होती है। ठीक है, जो रिसोर्स टाइप क्या है हमारा GBR है, प्रायोरिटी जो होगी हमारी 2 होगी, QCI 1 के लिए प्रायोरिटी 2 होती है, याद रखना है आपको। ठीक है, QCI 1 के लिए प्रायोरिटी 2 होती है, और पैकेट डिले बजट जो होता है वो 100 मिलीसेकंड होता है, ये चीज़ माइंड में फिक्स कर लेनी है। प्रायोरिटी 2 होगी और पैकेट डिले बजट आपका 100 मिलीसेकंड होगा, और पैकेट एरर लॉस रेट 10 to 2। ठीक है, एग्जांपल जो यहाँ पे सर्विस का है वो सर्विस किस लिए यूज होता है QCI 1, वॉइस के लिए। ठीक है, VOIP कॉल के लिए आपका जो यूज होता है QCI 1 यूज होता है, जिसकी प्रायोरिटी 2 होती है, पैकेट डिले बजट 100 मिलीसेकंड होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अब QCI 9 की बात करें तो रिसोर्स टाइप हमारा QCI 9 के लिए जैसे बताया था 5 टू 9 आपका नॉन GBR होता है, तो QCI 9 आपका क्या हो गया, नॉन GBR, यानी रिसोर्स टाइप आपका क्या होगा, नॉन GBR, और इसकी जो प्रायोरिटी होगी वो भी 9 ही होगी। ठीक है, यानी जो इंटरनेट होगा आपका, सर्विस जो होगी इंटरनेट QCI 9 यूज होगी, उसकी प्रायोरिटी भी 9 ही होगी, 9 ही होगी। ठीक है, पैकेट डिले बजट 300 मिलीसेकंड होता है, ये माइंड में फिक्स कर लेना है, पैकेट डिले बजट 300 मिलीसेकंड होता है, तो पैकेट एरर रेट भी यहाँ पे 10.6 देख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए QCI 2 इज सिंगल इंटीगर रिप्रेजेंट्स नोड स्पेसिफिक पैरामीटर दैट गिव द डिटेल्स ऑफ हाउ एन LTE नोड हैंडल्स पैकेट फॉरवर्डिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देकर समझाया गया है, शेड्यूलिंग वेट्स, एडमिशन थ्रेशोल्ड, क्यू थ्रेशोल्ड, लिंक लेयर प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस तरीके से ये मैं लिखकर क्यों समझाता हूँ, फिगर्ड प्री कन्फिगर्ड 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 टू हैंडल पैकेट फॉरवर्डिंग अकॉर्डिंग टू द QCI वैल्यूज। QCI values seems to be mostly used by InnodeB in controlling the priority of packets delivered over radio link. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं EPSB error में जो यहाँ पे यूज हो रहा है, EPSB error यानी QS parameter of EPSB error में ARP की फुल फॉर्म होती है एलोकेशन एंड रिटेंशन प्रायोरिटी। एक बार आप भी अपने मुंह से इस वर्ड को बोलेंगे तो जल्दी याद हो जाता है, एलोकेशन एंड रिटेंशन प्रायोरिटी। ठीक है, अब इसे समझते हैं। व्हेन ए न्यू EPSB इज नीडेड इन ए LTE नेटवर्क विद इनसफिशेंट रिसोर्सिस एंड LTE एंटिटी आप जानते ही होंगे, PGW, SGW, InnodeB, LTE के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो रैन पार्ट्स हो, कोर पार्ट्स हो, उनमें जितने भी एंटिटीज़ हैं वो आप जानना ज़रूरी है, उनके बारे में, उनकी फंक्शनिंग के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, दोबारा से समझते हैं। व्हेन ए न्यू EPSB एरर इज नीडेड
इन एन एल टी नेटवर्क, यानी जब कभी हमें नए ई पी एस बी आर की जरूरत होती है एल टी नेटवर्क में विद इनसफिशेंट रिसोर्सिस, ठीक है, एन एल टी एंटिटी डिसाइड्स। कौन डिसाइड करता है? एक एल टी एंटिटी, कोई भी एंटिटी हो सकती है, बेस्ड ऑन ए आर पी। किसके बेसिस पर? ए आर पी के बेसिस पर। एन इंटीगर रेंज फ्रॉम 1 to 15, यानी इसकी रेंज क्या होती है ए आर पी की, वो भी आपको बता दिया गया है, 1 to 15, विद 1 बींग द हाइएस्ट लेवल ऑफ प्रायोरिटी। अगर 1 है, ए आर पी की वैल्यू 1 है, तो यानी वो क्या होगा, हाइएस्ट लेवल ऑफ प्रायोरिटी होगा। ये चीज़ याद रखनी है। विद टू रिमूव द एग्जिस्टिंग ई पी एस बी आर, अगर ई पी एस बी आर रिमूव करना है और क्रिएट करना है कोई 1, तो एग्जाम्पल भी दिया गया, देखिए, रिमूविंग एन ई पी एस बी आर विद लो प्रायोरिटी ए आर पी टू क्रिएट 1 विद हाई प्रायोरिटी ए आर पी। अगर रिमूव करना है लो प्रायोरिटी वाला, तो न्यू एक न्यू क्रिएट करना होगा हाई प्रायोरिटी के साथ, ठीक है, और रिफ्यूज टू क्रिएट ए न्यू 1, ठीक है। सो द ए आर पी इज कंसिडर्ड ओनली वैन डिसाइडिंग विद टू क्रिएट ए न्यू ई पी एस बी आर ओ नोट। ये पॉइंट ठीक से आपको पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं, ठीक है। वंस ए न्यू बी आर आर इज क्रिएटेड एंड पैकेट्स आर डिलीवर्ड थ्रू इट, देखिए, एक बार अगर न्यू बी आर आर क्रिएट हो गया और उसके थ्रू पैकेट डिलीवर हो गया, देन द ए आर पी डज नॉट अफेक्ट द प्रायोरिटी ऑफ द डिलीवर्ड पैकेट, ठीक है, एंड दस द नेटवर्क नोड और एंटिटी फॉरवर्ड्स द पैकेट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर ए आर पी वैल्यूज। एंड वन ऑफ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग द ए आर पी इज एन एमरजेंसी वी ओ आई पी कॉल, ठीक है। एमरजेंसी जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है, उसका एग्जाम्पल देके समझाया गया है, ठीक है। सो एन एग्जिस्टिंग ई पी एस बी आर कैन बी रिमूव्ड इफ ए न्यू वन इज रिक्वायर्ड फॉर ए एमरजेंसी, जैसे कि 112 नंबर आपने 112 नंबर सुना ही होगा वी पी आई कॉल के लिए, ठीक। अब जानते हैं जी बी आर अपलिंग और डाउनलिंक क्या होता है, एम बी आर अपलिंग डाउनलिंक क्या है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो कि आपका जी बी आर के लिए यूज हो रहा है, डेडिकेटेड बी आर आर में जी बी आर के लिए जी बी आर अपलिंग डाउनलिंक और एम बी आर अपलिंग डाउनलिंक, ठीक है। एम बी आर की फुल फॉर्म बताई दी थी, मैक्सिमम बिट रेट बोलना नहीं है, जी बी आर की बताई दी थी, गारंटीड बिट रेट, ठीक है। देखिए अब जी बी आर अपलिंक डाउनलिंक कैसे समझेंगे, दिस पैरामीटर इज यूज फॉर ए जी बी आर टाइप वी आर आर, ये आपको पता ही है, एंड इंडिकेट द बैंडविथ, यानी बिट रेट को इंडिकेट करता है, ये आपको पता ही है, टू बी गारंटेड बाय द एल टी नेटवर्क, ठीक है। इट इज नॉट अप्लाइड टू ए नॉन जी बी आर बी आर आर, आपको ये चीज पता ही है, डेडिकेटेड बी आर आर जो होगा वो केवल वो जी बी आर नॉन जी बी आर दोनों के लिए होता है, लेकिन डिफॉल्ट जो बी आर आर होगा वो केवल नॉन जी बी आर के लिए होगा, ओके। सो इट इज नॉट अप्लाइड टू ए नॉन जी बी आर बी आर विद नो गारंटीड बैंडविथ, ठीक है। नो गारंटीड बैंडविथ मीन्स नो गारंटीड बिट रेट, ओके, फॉर अपलिंग एंड डाउन लिंक ट्रैफिक्स, ठीक है। एम बी आर, एम बी आर इज यूज फॉर ए जी बी आर टाइप बी आर आर, एम बी आर किसके लिए यूज होता है, जी बी आर टाइप बी आर आर के लिए, एंड इंडिकेट द मैक्सिमम बिट रेट अलाउ इन द एल टी नेटवर्क, और क्या इंडिकेट करता है, मैक्सिमम बिट रेट एल टी के अंदर जितना भी अलाउबल है, ठीक है। एनी पैकेट्स अराइविंग एट द बी आर आर आफ्टर द स्पेसिफाइड एम बी आर इज एक्सीडेड विल बी डिस्कार्डेड, ओके। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, आई होप पक्का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ए पी एन ए एम बी आर अपलिंक डाउनलिंक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए पी एन ए एम बी आर और यू ई एम बी आर, यहाँ पे सिर्फ एक यू ई के लिए आपको इस पिक्चर में समझाया गया है, मैं आपको एक नेक्स्ट पिक्चर दिखा दूंगा, पहले आप समझिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, वाई ए नॉन जी बी आर टाइप बी आर आर डज नॉट हैव ए बैंडविथ लिमिट, ठीक है। जो आपका नॉन जी बी आर टाइप बी आर आर है उसके लिए बैंडविथ लिमिट क्यों नहीं है, वो समझते हैं। देखिए, इन केस ऑफ नॉन जी बी आर बी आर आर इट इज द टोटल बैंडविथ ऑफ ऑल द नॉन जी बी आर ई पी एस बी आर आर इन ए पी डी एन दैट इज लिमिटेड, नोट द इंडिविजुअल बैंडविथ ऑफ इस बी आर आर, ठीक है। एंड दिस रेस्ट्रिक्शन इज कंट्रोल्ड बाई ए पी एन एम बी आर, ठीक है। ए पी एन एम बी आर की फुल फॉर्म आपको बताई दी थी, ए पी एन एम बी आर जो होता है हमारा एक्सिस पॉइंट नेम एग्रीगेट मैक्सिमम बिट रेट होता है, ठीक है।
जैसे कि आप ऊपर फिगर में जो आपका ये पिक्चर है उसमें देख पा रहे हैं, देयर आर टू नॉन जीबीआर ईपीएस बी एरर, टू नॉन जीबीआर ईपीएस बी एरर है यहाँ के। एक तो आपका डेडिकेटेड बी एरर है फॉर PDN 1, जो आपका PDN ये है उसके लिए, PDN 1 के लिए एक यहाँ पे डेडिकेटेड बी एरर और एक डिफॉल्ट बी एरर है, ठीक है। एंड देयर मैक्सिमम बैंडविथ आर स्पेसिफाइड बाय द APN AMBR, दिस पैरामीटर इज अप्लाइड एट UE फॉर अपलिंक ट्रैफिक ओनली एंड PGW फॉर बोथ डाउनलिंक एंड अपलिंक ट्रैफिक, ठीक है। लास्ट पे चलते हैं UE AMBR अपलिंक डाउनलिंक, ठीक है। UE AMBR अपलिंक डाउनलिंक, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूजर इक्विपमेंट एग्रीगेट मैक्सिमम बिटरेट, ठीक है। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे ये दोनों आपको एक तरह एक ही तरह के दिखाई दे रहे होंगे, UE AMBR अपलिंक डाउनलिंक और APN AMBR अपलिंक डाउनलिंक, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट पिक्चर के द्वारा ठीक से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जो आपका UE1 के लिए जो ये यूज हो रहा है नॉन GBR के लिए APN AMBR, ठीक है, इसीलिए। और जो हमारा दूसरा यूई है उसके लिए अलग से एक APN AMBR यूज हो रहा है। जो हमारा UE AMBR है वो दोनों के लिए, दोनों यूईज के लिए एक ही है, सेम है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये कैसा है, नॉन GBR है, ठीक है। तो इसे समझते हैं, ए यूई कैन बी कनेक्टेड टू मोर देन वन PDN, ये दिमाग में बैठाना है। ए यूई कैन बी कनेक्टेड टू मोर देन वन PDN, यानी एक यूजर इक्विपमेंट, एक मोबाइल फोन एक से ज़्यादा PDN के साथ कनेक्टेड हो सकता है, यानी वो एक PDN इंटरनेट के लिए यूज कर सकता है और एक PDN वॉइस कॉल के लिए, ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यूजिंग IMS के लिए, ठीक है। एंड इट हैज़ वन यूनिक IP एड्रेस फॉर इच ऑफ इट्स ऑल PDN कनेक्शंस, ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड हे आर UE AMBR अपलिंक डाउन लिंक, जो ये आपका UE AMBR अपलिंक डाउन लिंक है ये क्या इंडिकेट करता है, मैक्सिमम बैंडविथ अलाउड फॉर ऑल द नॉन GBR EPS बियरर्स एसोसिएटेड टू द यूई नो मैटर हाउ मैनी PDN कनेक्शंस द यूई हैज, ठीक है। अदर PDNs आर कनेक्टेड थ्रू अदर पैकेट गेटवे, दिस पैरामीटर इज अप्लाइड बाई ई नोड बी ओनली, ठीक है। आज जो बताया वो काफ़ी हद तक आपकी समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, QCI से रिलेटेड जो 5G की QCI मुझे आपको बतानी है उस वीडियो में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।